बच्चों करते हैं अगला उदाहरण। कह रहा है कि दो रेल की पटरियों के समीकरण दिए गए हैं और इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। पेज नंबर 48 में है ये उदाहरण नंबर 3। करते हैं बच्चों इसको। पहला समीकरण है x धन 2y ऋण 4 बराबर 0। क्या करेंगे, y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2y बराबर हो जाएगा ऋण का 4, उधर भेजेंगे धन का 4, x उधर भेजेंगे ऋण का x, फिर 2 का पक्षांतर कर देंगे तो ये सीधे आ जाएगा बटे 2। हमारे पास जगह कम है, आप हर एक स्टेप करिएगा x y, x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 4 बटे 2 अर्थात 2 आ जाएगा। अब x का मान 2 के मल्टीपल ही लेने पड़ेंगे, x का मान अगर 2 ले लेंगे तो 4 ऋण 2, 2 बटे 2 1, x का मान माइनस 2 ले लेते हैं तो 6 बटे 2 यानी 3। अब इन बिंदुओं को अपने ग्राफ पेपर पे निरूपित करते हैं। 0 को हमारा 2 y अक्ष में पड़ेगा, ये x और y अक्ष लिख लीजिएगा आप, x को x डैश हरे ग्राफ में, ये y को y डैश। तो ये बिंदु हो गया 0.2। अगला बिंदु 2.1, तो 2.1 ये प्रथम चतुर्थांश में, ये बिंदु आ गया है बच्चों 2.1। अगला बिंदु -2.3 द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचेगा, ये -2.3 ये अगला बिंदु आ गया। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी बच्चों, क्योंकि ये रेखीय समीकरण है। मिलाते हैं इनको, अब ये किस समीकरण का ग्राफ आया बच्चों, x धन 2y ऋण 4 बराबर 0, ये पहली रेल की पटरी का ग्राफ आया। अब दूसरी रेल की पटरी का एक समीकरण दिया गया था और उसका ग्राफ खींचते हैं बच्चों, तो क्या है वो समीकरण देखते हैं जल्दी से। दूसरा समीकरण है 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0, 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0। उसी प्रकार से इसको करेंगे, y को सब्जेक्ट बनाएंगे, 4y बराबर 12 ऋण 2x, तो y बराबर 12 ऋण 2x बटे 4। x का मान और y का मान, x का मान मान लीजिए 0 ले लेंगे तो 4 की 12, y का मान 3 आ जाएगा। अब x का मान अगर 4 ले लेंगे तो 4 दूनी 8, 12 में से 8 घटे 4 तो 4 एकम 4, x का मान अगर -4 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12 8 20, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा मुराया ऋण 4 और धन 5। तो अब इन निर्देशांकों को बनाएंगे अपने इसी सेम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। 0.3 बच्चों ये बिंदु आ गया, 0.3, 4.1 तो 4.1 बच्चों ये बिंदु आ गया, 4.1 उसके पश्चात ऋण 4.5 तो ऋण 4.5 ये बिंदु आ गया यहाँ पे ऋण 4.5। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला लेते हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे बच्चों, तो इन तीनों बिंदुओं को बच्चों मिलाने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो गई और यह सरल रेखा पहले वाली सरल रेखा के बच्चों समांतर आई है। ये किस समीकरण का ग्राफ था, यहाँ पे लिख देंगे 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0। अब बच्चों तीनों स्थितियों पर विचार करते हैं, इसलिए हमने बोल्ड इरेज नहीं किया था कि तीनों स्थितियां क्या क्या है।
अब देखिए बच्चों जरा, पहली स्थिति में दोनों रेखीय समीकरणों के जो ग्राफ आए हैं वो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन अर्थात अद्वितीय हल। तो पहली स्थिति में दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब हो गया केवल एक हल। तो बच्चों जरा हम यहां पर देखें, अद्वितीय हल की कंडीशन में अगर हम इसके जो गुणांक हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 2 जी दो समीकरण है, और अगर बच्चों हम इस पहले वाले समीकरण को देखें, पहले वाले प्रश्न को, तो यहां पे अगर हम a1 अपॉन a2 निकालें तो a1 का मतलब x का गुणांक और a2 का मतलब, अगर ये व्यापक रूप में लिख दें इसको तो क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए, तो ये हो जाएगा 2y बराबर x, पक्षांतर कर देंगे इसको तो x ऋण 2y बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे a1 का मतलब x का गुणांक, यहाँ पे a2 का मतलब x का गुणांक 3, तो यहाँ पे बच्चों a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 1/3। फिर b1 अपॉन b2 निकाले, यहाँ पर b1 का मान है -2 और यहाँ पे b2 का मान है 4। तो देखिए जरा बच्चों, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो बस यहीं से एक निष्कर्ष निकल के आया कि अगर दो रेखीय समीकरण दिए हुए हैं उनका अगर अद्वितीय हल है तो उस दशा में हमेशा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा। इसका भी बहुत उपयोग आगे आएगा, इसको बड़े ध्यान से समझना है हमें। अब दूसरे वाले उदाहरण में चलते हैं, अगले उदाहरण में यहाँ पे जरा देखते हैं क्या क्या है गुणांकों के बारे में। यहाँ पे a1 कितना है बच्चों 4, a2 कितना है 2, तो 4/2 हो गया, b1 कितना है बच्चों 6, b2 कितना है 3, तो 6/3 हो गया, यहाँ पे c1 कितना है 75 इधर कर देंगे तो ऋण का 18 आ जाएगा, व्यापक रूप में जब लिखेंगे इसका 9 का 75 इधर कर देंगे तो ऋण का 9 आ जाएगा, तो ये करके कितना आ जाएगा 2/1, ये करके कितना आ जाएगा 2/1, और ये भी करके कितना आ जाएगा बच्चों 2/1। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे इसको कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल। ये स्थिति जिसमें दोनों रेखीय समीकरण एक ही सरल रेखा को निरूपित करें इसको कहा जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और इसकी कंडीशन क्या आ रही है बच्चों कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के और बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। अंतिम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए अगर हम a1 अपॉन a2 निकालें, x का गुणांक 2, x का गुणांक 1, तो ये आ गया 2/1, b1/b2 निकाले तो ये आ गया 4/2, c1/c2 निकाले तो ऋण का 12/4, तो ये 2/1 ही रहेगा, ये 2/1 आ जाएगा और ये 3/1 आ जाएगा, अर्थात ये दोनों तो बराबर है ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में देखिए बच्चों ये दोनों ग्राफ कहीं पे नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब कि कोई भी इनका कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा, इस कंडीशन में कोई भी हल संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं, और इसकी कंडीशन क्या है बच्चों कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, मगर बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। ये बड़ा आवश्यक टॉपिक आपने पढ़ा है, फिर से एक बार इसको रिवाइज कराते हैं, ध्यान से देखिए, अगर दोनों रेखीय समीकरणों के अगर दोनों रेखाओं के रेखीय समीकरण आपको दिए गए हैं और आपको देख के पहचानना है कि ये इसके हल किस प्रकार के होंगे तो आप ये चेक कर सकते हैं, पहले दोनों समीकरणों को व्यापक रूप में लिखिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकाल लीजिए, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब
दोनों समीकरणों के हल अद्वितीय होंगे, केवल एक हल होगा और ग्राफ उनके प्रतिच्छेदी बनेंगे। अगर a1 upon a2 बराबर है b1 upon b2 और बराबर है c1 upon c2, अर्थात इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, x y के सभी मान इसके हल होंगे और इसके ग्राफ संपाती बनेंगे। अंतिम स्थिति, अगर a1 upon a2 बराबर है b1 upon b2 के मगर ये दोनों c1 upon c2 के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में दोनों रेखीय समीकरणों का कोई भी हल संभव नहीं होगा और इनके ग्राफ दो समांतर रेखाएं ही बनेंगे। बच्चों धन्यवाद।